गाइज ये ताजमहल का राइट वाला हिस्सा है। फाइनली हम ताजमहल पहुंच चुके हैं और रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इस वजह से व्लॉगिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्या पता ताजमहल के आसपास से ही बना लूँ। तो पहुंच गए हैं हम वहाँ। अब इसे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी पता नहीं कितना टाइम लगता है। ये देखो ये भीड़ बढ़ते जा रही है टाइम टाइम पे, तो भीड़ बढ़ेगी क्योंकि ताजमहल को देखने कई सारे लोग आते हुए, तो बिना टिकट के वहाँ अंदर एंटर करने नहीं देते इस वजह से। यहाँ के रास्ते से जा रहे हम लोग, ये है गेट और उधर थोड़ा थोड़ा ताजमहल दिख रहा होगा, अभी यहाँ से जाते हैं। इतनी सारी भीड़ है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हुए यहाँ। इसी गेट से हमने एंट्री की थी, ये मेन एंट्री गेट है ये वाला जो ये दिख रहा है। अभी हमारी चेकिंग की हुई है अंदर, तो उसके बाद टाइम लग गया था वहाँ बहुत, तो चलते हैं गाइज ताजमहल देखने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइज। यहाँ पे सामने देख सकते हैं ना आप, इतना बड़ा विशालकाय गेट है ये। फाइनली हम ताजमहल पहुँच चुके हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से, बहुत बड़ा, लेकिन कैमरे में छोटा दिख रहा होगा लेकिन रियल में बहुत बड़ा दिख रहा है। गाइज यहाँ तो लोगों का ना फ़ोटो खींचने में ही ज़्यादा जोर है, उधर साइड तो सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि उधर से अच्छा सीन आ रहा था, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है गाइज, बहुत सुंदर। गाइज ये शाहजहाँ ने अपनी याद में ये इतना विशाल का ये ताजमहल बनवाया, तो अपनी याद में उन्होंने इतना सुंदर सा, इतना ब्यूटीफुल ताजमहल बनवाया जो इतने सारे लोग, कई वर्ल्ड से पूरे सारे लोग यहाँ देखने को आते हैं। तो यहाँ पे फुहारे भी लगे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाइज यहाँ देख के तो ना पूरी जन्नत याद आ रही है, और यहाँ करोड़ों में तक यहाँ लोग आए होंगे मुझे ऐसा लगता है, बट पता नहीं। गाइज यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। गाइज देखो लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। जो ताजमहल के वो जो चारों तरफ वो मीनारे हैं उनको चार मीनार कहते हैं, और अभी हम ताजमहल के पास जा रहे हैं। यहाँ पे सामने है, यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। गाइस शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू दिखता है ना, इसलिए जब धूप उधर से यहाँ ताजमहल की ओर लगती है तो पूरा ताजमहल चमकता है, पूरा संगमरमर का बना हुआ है ना वो, इसलिए पूरा चमकता है, तो इससे अच्छा व्यू आता है। ताजमहल के हिसाब से ये वाला राइट वाला हिस्सा है इसका, तो ये वाला लेफ्ट है, और ये सामने गार्डन। गाइज अब तो हम ताजमहल के बहुत करीब आ गए, और वो बहुत बड़ा दिख रहा है, इमारत पूरी ये देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए तेरे फोन से लग रहा है। है ताजमहल का लेफ्ट वाला हिस्सा, और ये रहा हमारा ताजमहल। सो गाइज अभी हम वहाँ से ऊपर आए हैं, और ये है ताजमहल का लेफ्ट वाला पोर्शन जो ये सारे दिख रहा है यहाँ। गाइज कई सारे लोग कहते हैं कि ताजमहल को प्यार की निशानी कहते हैं, तो गाइज अभी थोड़ी सी फ़ोटो शूटिंग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। और सामने काला ताजमहल का देखो जो मेहताब बाग बोला जाता है, मंदिर खूबसूरत, और आगरा फोर्ट लेफ्ट साइड। ये यमुना नदी है ना,
गाइस जो आपको उधर दिख रहा होगा वो पूरा एरिया, वहाँ पे काला वाला ताजमहल बनने वाला था लेकिन बन नहीं पाया, तो यहाँ पे जो ये वाला ताजमहल ये शाहजहाँ ने बनाया लेकिन वहाँ पे वो बना नहीं पाए इस वजह से जो ये, और ये जो ये यमुना नदी बह के जा रही है, ये नदी है जो ये बह के जाती है प्रयागराज। तो हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ इनके कितने साल लग गए इनको बनाने में, लेकिन ये बना नहीं पाए वो काला ताजमहल। शाम का समय होने वाला है और थोड़ा थोड़ा कोहरा भी बढ़ते जा रहा है। जैसे हम कल बस में आए ना, तो बस में के कहते हैं शाम के टाइम पे बहुत कोहरा था, तो अभी थोड़ा थोड़ा कोहरा बढ़ने लग गया, अभी धूप जाने का टाइम भी आ गया। यहाँ पे ताजमहल पे थोड़ी थोड़ी छाया भी आने लग गई है, देख सकते हैं यहाँ पे से, उधर से धूप आ रही है, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी धूप, लेकिन फिर उसके बाद पूरा ये अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा छाया आ जाएगी। मतलब बट शाहजहाँ ने जब दिल्ली वाला रेड फोर्ट बनवाया ना, तो वहाँ रेफर कर दिया। गाइस ये ताजमहल का राइट वाला हिस्सा है और ये इस साइड भी फोर्ट है। फोर्ट यानी किला। इधर साइड भी किला है, बैक साइड भी किला है इसका, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट में, सब जगह किले किले हैं इसके आसपास, और बीच में ये सुंदर सा ताजमहल। गाइज यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर सी डिज़ाइन यहाँ पे। अब गाइज देखो ताजमहल का आधा पोर्शन छाए से ढक चुका है और आधा बच रखा है। अभी थोड़ी देर में अभी धूप भी चली जाएगी, तो अभी जाते टाइम हम इधर से जा रहे हैं, आते टाइम हम उधर से आए थे। तो गाइज अब ताजमहल को बाय बाय करते हैं, अभी थोड़ी सी वहाँ से फ़ोटो शूटिंग करेंगे हम लोग, वहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है पीछे का, तो इसलिए फिर उसके बाद हम चले जाएंगे घर। गाइज 5 बजे ये क्लोज होता है पूरा ताजमहल का गेट, वहाँ पे सामने है ताजमहल का गेट, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस जब आप ताजमहल आओगे ना, तो सुबह ताजमहल खुलता है 9 बजे और क्लोज्ड होता है हमारा 5 बजे। अब हम पहुँचे हैं शाहजहाँ गार्डन, जो पड़ता है आगरा में। तो यहाँ पे सामने हमारे एक प्रतिमा दिख रही है, मैं दिखाती हूँ किसकी प्रतिमा है वो। तो ये रहा सुंदर सा गार्डन और वो रही मूर्ति। अभी मूर्ति के पास जाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको मैं कि वो मूर्ति है किसकी। तो जो ये मूर्ति है वो है पंडित मोतीलाल नेहरू जी की, जो यहाँ पे स्थित है आगरा में एक गार्डन में। थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि शाम भी हो चुकी है, तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा, पूरा यहाँ कोहरा भी लगना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि शाम के टाइम पे यहाँ कोहरा भर जाता है पूरा, अभी थोड़ा नॉर्मली है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आगरा यहाँ ताजमहल में तो कमी वो है कोहरा, लेकिन गाइस आगरा में ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोहरा है। बिल्कुल कल तो ना जिस टाइम हम बस में आए उस टाइम कुछ दिख भी नहीं रहा था, पूरा धुंधला, पता नहीं वो ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहे थे। तो गाइस ये हमारा लास्ट प्लेस है जहाँ आज का ब्लॉग हम एंड करेंगे। तो अभी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहे हैं हमें गार्डन, और यहाँ पे पानी भी है, अभी दिखाती हूँ आपको बैक करके। तो ये देख सकते हैं आप,
मूर्ति के बाहर भारी पानी से इसे कवर कर रखा है। हम अभी यहाँ पे मिठाई लेने आए हैं, आगरा की फेमस मिठाई है पेठा, तो यहाँ पे सारे उसी के डिब्बे हैं, हम भी ले रहे हैं। अभी चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सा लेते हैं। ये फ्रूट है सब। अच्छा जी, इसमें रोज का है, मैंगो का है, पाइनएप्पल है, वेनिला है, ये भी पेठा है, ये भी पेठा है, ये भी है, ये भी सारा 250 ग्राम तक नहीं है, 600 ग्राम से कम नहीं मिलता। एक भाई और बताइए सर। तो गाइज ये देखो, हमने मिठाई ले ली है, इसमें